बिंदिया चमकेगी, ओ चूड़ी खनकेगी, ओ तेरी नींद उड़ती है तो उड़ जावे एक्सरसाइज। अयो ओ पुत्र, इतनी जल्दी तू तैयार होकर आ गया? तूने कहा था ना योगा करना, वजन कटता है, तुम्हें योगा कर रही थी। वेरी नाइस। चल मोया। बात क्या है? कुछ नहीं, एक बात बोलूं? हाँ बोल। हॉट लग रहे हो। चल हट। सच में? सच्ची लग रही हो? बहुत, मतलब ऐसे तो आप हमेशा हॉट ही लगते हो, पर आज मतलब कुछ ज्यादा ही। अच्छा, क्या ट्विंकल से ज्यादा हॉट लग रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऑफ कोर्स लग रहे हो आप कम काबला नहीं है बेबे। बता असली बात क्या है, इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है मुझे? मैं मक्खन क्यों लगाऊंगा, यू नो आप भी कोई ब्रेड हो जो मैं मक्खन लगाऊं। बता बेबे बेबे लग रही है, बता रहा। देखो मैं सोच रहा था कि मैं और ट्विंकल और मैं यू नो बोला मेरी बाइक पे जा सकते हैं मूवी देखने। हाय मेरे लाल, तू अपनी वोटी के साथ बाइक पे अलग से थिएटर जाना चाहता है? हाउ रोमांटिक पुत्र, जी ले अपनी जिंदगी, जा इजाजत दे देती। थैंक यू। आप कमाल हो, मतलब आप बेमिसाल हो। हॉट। मैं तो कहता हूँ आप बेबे ही नहीं हो। हैं बेबियां? बेब हो, बेब। ओह बेब। कितना मेकअप है कुछ चुप। बेब, आज तो मैं बेब बेबे नहीं। तो वो क्या गाना था? चूड़ी खनकेगी। पता था शीशे के सामने ही बैठी होगी। 2 घंटे मत लगाना रेडी होने के लिए, बेबे ने बाइक पे जाने की परमिशन दे दी। ओके एक्सक्यूज मी, मैं कोई लड़का नहीं हूँ जो पैंट शर्ट पहनी और फटाफट से रेडी हो गए। मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों को अच्छे से रेडी होना जन्मसिद्ध अधिकार है। सो आई विल टेक माय टाइम मिस्टर कंसर्ना। और हाँ, वैसे तुम अपना रोल भूल रहे हो। ओ कह रही हो? मिस ट्विंकल तनेजा जी, मैं सोच रहा था कि आपको तैयार होने की जरूरत क्या है, आप तो हैं इतनी खूबसूरत। मिस्टर सरना, बटरिंग करने से कुछ नहीं होगा, मूड आपने मेरा ऑलरेडी ऑफ कर दिया है। डेट कैंसिल कर दूं? आई एम सॉरी ट्विंकल जी, वो एक्चुअली बात ऐसी है कि बहुत देर से आपका चेहरा नहीं देखा था ना, इसलिए कॉल किया। कुछ हो रहा था, आप नहीं समझे। तो आप रेडी हो गई हो तो चले। बस थोड़ा इंतजार और। आपके लिए तो मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। मीठी मीठी बातें करना और किसी को स्पेशल फील कराना तो कोई आपसे सीखे मिस्टर सरना। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। जी आप हैं इतनी स्पेशल, बातें अपने आप बन जाती। ठीक है, चलिए इसी बात पे आपको मुझे पॉपकॉर्न खिलाने पड़ेंगे, वो भी कैरमल वाले। कैरमल सॉल्टेड चीज सैंडविच, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, आइसक्रीम, हुकुम तो कीजिए, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। सी यू देन। दरवाजा तो बंद है, शायद निकल गए होंगे। पहली बार इस गुड फॉर नथिंग यूवी ने बढ़िया काम किया है, सबको फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, वेरी गुड। चलो सब लोग आ गए, निकलते हैं। हाँ जी चल। कुंज और ट्विंकल कहाँ है? कुंज और ट्विंकल पहले ही निकल गए मोटर बाइक पे। अरे
अरे हाँ उषा रानी, घर की चाबियां ले ली ना? हाँ जी बेबे, ले ली। चलो चलो जल्दी करो, फिल्म शुरू हो जाएगी। चलो। वो बढ़िया फिल्म है बेबे। युवराज क्या हुआ, चलो ना। तुम्हें पता है मैंने सुना है कि इस मूवी में शाहरुख काजो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्विंकल जी, आप दो मिनट में मुझे बाहर मिलिए, मैं बाइक निकालता हूं। क्या हुआ? दरवाजा क्यों लॉक्ड है यार? डोंट टेल मी वो हमें यहाँ पे लॉक करके अकेला छोड़ के चलेगी। हो ऐसे कैसे हमको अंदर अकेले छोड़ के जा सकते? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं यार, आई थिंक जब मैं बेबे से परमिशन लेने गया था कि हम दोनों बाइक पे चले जाएं, उनको लगा होगा कि हम चले गए हैं, पर हम तो लेट है ना ट्विंकल, इसलिए। कुछ तुम ना, मुझे पता था तुम कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगे। कल रात को पहले तुमने वो डेट खराब करी गंदी सड़ी हुई सब्जी मंगा के, और अब तुमने ये कर दिया। तुम मुझे कैसे आपा क्वीन बोलते हो? तुम खुद कौन से कम हो? अब हम क्या करेंगे? अगर हम दोनों की सच्ची में शादी नहीं हुई होती ना, और हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते, तो मैं तुम्हें यू रिजेक्ट कर देती कुंसरना। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा आजकल? अगर मैं शादी के पहले का कुंज होता ना, तेरे नखरे नहीं झेलता, तुझे कब का रिजेक्ट कर चुका होता समझी? रिजेक्ट तो दूर की बात है, फर्स्ट डेट के बाद तुझे ऐसे घूम के सेकंड लुक भी नहीं देता। चुप करो, अपनी तारीफें करनी हो गई तो बेबे को फोन करो, मेरी शाहरुख की मूवी में सो रही है। ट्विंकल कर रहा हूँ फोन, इतनी हाइपर होने की जरूरत नहीं, एक फिल्मी। नहीं कर रहे तुम फोन, तुम टाइम पास कर रहे हो, सब मजे कर रहे हो, और मैं यहाँ घर में बंद हूँ तुम्हारे साथ अकेली। मेरा कितना मन था मूवी देखने का, मैं इतने अरमानों से तैयार हूँ। चुप, मूवी कब आगे जा रही? आज नहीं तो कल देख लेंगे, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कैसा मौका? तुम और मैं अकेले इस घर में, और कोई भी नहीं। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब मैं शाहरुख की मूवी की तरह क्या घर में बैठ के तुम्हारा चेहरा देखूं? गुड फॉर नथिंग, ओए आराम से गाड़ी चला, वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, फिल्म देखने जानी है, भगवान के पास नहीं जाना है? और नहीं तो क्या? कुंज और ट्विंकल अलग से क्यों निकल गए? फिल्म का पूरा प्लान इसलिए बनाया था ताकि इन दोनों की डेट बर्बाद हो जाए। Thank you.
ये हैट, ये जैकेट, ये मैंडोलिन, ये कहाँ मिल गया तुम्हें? कहाँ मिला मतलब? पता है कितने सालों से संभाल के रखा है, जब से DDLJ देखी, राज और उसकी सिमरन को उसके साथ देखा। राज कहीं उस सिमरन के लिए पाएं फैलाना। फैन हो गया था मैं उसका। तुम भी शाहरुख के फैन हो? मुझे तो पता ही नहीं था। शाहरुख के तो सब फैन है। मैं तो कुछ तू हंसेगी? नहीं हंसूंगी, बोलो। नहीं मैं नहीं बता रहा, तू हंसेगी। बोलो ना, नहीं हंसूंगी, बोलो। पता है ट्विंकल सोचता था कब मेरी सिमरन मेरी जिंदगी में आएगी। क्यूट सी, प्यारी सी, भोली सी, खूबसूरत सी। और जिस दिन वो लड़की मुझे मिलेगी उसके लिए गेटअप है DDLJ वाला, जो इतने सालों से संभाल के रखे हैं। मैंडोलिन बजाऊं, उसे इंप्रेस करूं, लेकिन आज तक मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब समझ आया क्यों? क्योंकि वो लड़की जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार था, लड़की तू है। स्माइल करती है ना तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, तेरा पूरा चेहरा खिल उठता है, आंखों में कुछ अलग ही चमक आ जाती है। तेरी स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ट्विंकल। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। इट्स ओके सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे वाह बेबे, शाहरुख खान की फिल्म लगी है। शाहरुख ऐसे करता है ना, बहुत मजा आता है। बेबे यहाँ पर ना मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, आप खाओगे? ले आता हूँ। ये कुंज और ट्विंकल कहाँ है? अरे उषा रानी तू चिंता क्यों करती है, तुझे कहा ना ये पहले ही निकल गए। अरे होंगे अकेले में कहीं खड़े। तू गरम गरम पॉपकॉर्न खा, समोसे खा, और तेको पता है साढ़े शाहरुख खान की पिक्चर है, देखेंगे। अरे युवराज। हाँ बेबी। की गल है, तू इतना खोया हुआ क्यों है? नहीं बेबी कुछ नहीं, बस यूं ही। गर्मा गर्म समोसे ले आया हूँ जी, वो पॉपकॉर्न भी है, आप खाओगे? नहीं नहीं तू ही खा, हम लोग तो शाहरुख खान की पिक्चर देखेंगे। हैं चल चलो चलो चलो। युवराज। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं यार, चलो मूवी देख। अब चलो भी। हाँ सो मिस ट्विंकल तनेजा, सॉरी मेरी वजह से आप फिल्म तो नहीं देख पाई, पर आई होप मैंने थोड़ा सा एंटरटेन तो कर ही दिया होगा आपको। वैसे शाहरुख की मूवी मिस करना मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी इम्प्रेस तो मैं हो ही गई हूँ आपसे। नाउ व्हाट? मतलब आप बताइए। एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ सेकेंड डेट है मिस्टर सरना,
मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। That's not fair. मैं आपके करीब आ रहा हूँ और आप ही मुझे दूर भेज रही हैं। Actually, दिल चाहता है कि आपके पास हो। दिल तो पागल है। दिल है कि मानता नहीं। कि कोई मूवी नहीं है DDLJ। रोमांस तो है। आप तो हैं। मैं भी हूँ। तुम मुझसे दूर रहो। अब मैं बोलूँगा। आप सुनो। तो क्या कह रहा था मैं कि हाँ दिल चाहता है कि मैं आपके पास हूं और पास मुझसे। चल तू रोज मेरे लिए खाना बनाती है ना, आज मैं तेरे लिए कुछ बनाऊंगा। दरवाजा बंद है, लो कर लो गात। मैं भी किन्नी भुलक्कड़ हूं। ट्विंकल ने मैंने बताया तो था कि सारा परिवार फिल्म देखने जा रहा है। कोई नहीं, दोबारा आ जाऊंगी। अंदर से आवाजें कैसी आ रही है जब घर में कोई नहीं है? कहीं चोर तो नहीं घुसाया? जरूर खिड़की से या बालकनी से आया होगा अंदर। मैं सरनास को फोन करके बता देती हूँ। अरे युवराज पुत्र, तू पिक्चर आदि छोड़कर क्यों बाहर आ गया? हेलो बेबे, मैं लीला बोल रही हूँ। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? बेबे इस वक्त मैं आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। अंदर से ना कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। जब आप लोग घर पे नहीं है तो अंदर कौन है? जरूर चोर घुसाया होगा। क्या चोर घुसाया हमारे घर पे? चोर हमारे घर में? वो ऐसे कैसे हो सकता है जी? आप छिटी छिटी आ जाइए। हाँ जी हाँ जी, हम लोग जल्दी आते हैं। लगता है हमारे घर में चोर घुसा है। चलो चलो चोर, हमें जाना चाहिए, जल्दी करो चलो। So, शेफ सरना क्या बना रहे हैं? ट्विंकल जी आप देखती जाइए, शेफ कुंज का कमाल। ऐसी डिश बनाऊंगा ना कि आप भी क्या याद करेंगे किस शेफ से पाला पड़ा था आपका। ओके। ठीक है, नूडल्स मुझे यही बनाना आता है, पर नूडल्स में कमाल के बनाता हूँ। you know, आप एक बार खा के तो देखिए, नदी आप बह जाएंगी पानी के आपके मुंह से। Let's see. तो कुछ भी बनाओगे ना कल, प्यार से चुपचाप खा लूंगी। मेरे लिए यही काफी कि तुमने कुछ अपने हाथों से बनाया। तो कुछ से बात क्या करती रहती? कुछ भी नहीं, तुमने कुछ सुना क्या? नहीं। लाओ दो, मैं सब्जी काट देती। सोचना भी मत। शेफ कुंज के किचन में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना अलाउड है। काम करना, सोचना भी मत। ओके, कहाँ रह गए ये लोग? शुक्र है आप लोग आ गए। पता
नहीं कौन है अंदर, कब से झांकने की कोशिश कर रही हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लीला जी और आवाजें, आवाजें बाकायदा आ रही है अंदर से, कोई तो है अंदर। इसका मतलब चोर अंदर ही है, हमें अंदर जाना चाहिए। हाँ और चेरी ये चाबी ले, दरवाजा खोल। सजना वे, सजना वे, सजना।